ई रिक्शा चालकों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने दिया धरना। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संचालित ई रिक्शा चालकों से ई रिक्शा पड़ाव शुल्क लागू किए जाने के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना दिया। ई रिक्शा चालक संघ का कहना था कि नगर परिषद द्वारा प्रतिखेप 10 रुपए शुल्क वसूलने की बात कही गई, जो कहीं न कहीं न्योचित नहीं है। स्थानीय वार्ड पार्षद सह राजन नेता अनुज आर्य उर्फ लव यादव के नेतृत्व में ई रिक्शा चालक व टेपो चालकों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां मांगों का ज्ञापन नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को सौंपा, जिसके बाद उनके बातों पर विचारोपरांत कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप ने यह आश्वासन दिया कि अब प्रतिखेप नहीं सिर्फ प्रतिदिन मात्र 10 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। यही बात टेम्पो चालकों के लिए भी होगा। टेम्पो चालकों को प्रतिदिन 15 रुपए शुल्क जमा करना होगा। इस तरह ई रिक्शा चालकों और टेम्पो चालकों की मांग पूरी होने के बाद मामला शांत हुआ। हाँ, उनके उनका तरफ से डिमांड था कि हम लोग जो रेट बढ़ाए वो ज्यादा ही बढ़ा दिए हैं। उनको कंफ्यूजन था कि वो 10 रुपए प्रति ट्रिप है, उसको हम लोगों ने उसको संशोधित करते हुए उसको 10 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। और अपनी क्षमता के अनुसार या तो पर डे कटा है, चाहे महीना में कटा है, या वार्षिक रसीद भी वो जो संवेदक होगा उससे कटवा सकते हैं। टेम्पो का भी 15 रुपए है, तो वो 15 रुपए प्रतिदिन ही रहेगा, ठीक है। तो वो भी अपना अपने क्षमता के अनुसार जो है पर डे का रसीद कटा है, या महीना का, या तो वार्षिक, या छमाही, जो जिससे वो वाकिफ हो अपने तरह कटा सकते हैं। बस हम लोग को जैसे हम लोग ये गरीब का मामला है, रिक्शा गरीब उसमें चलाते हैं, उसमें 10 रुपये का मामला कर रहे हैं। हम लोग ये अभी ज्ञापन दिए हैं कि भाई 10 रुपये का जो है ये इसको ख़त्म किया जाए और सही से हम लोग चलाएंगे, और क्या कर सकते हैं। अभी ज्ञापन दिए हैं, जब हम लोग को बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे, बात करेंगे, क्या करते हैं। क्या ज्ञापन दिया, क्या मांग है सर? हम लोग ई रिक्शा चालक हैं, हम लोग को टेंडर में डाला जा रहा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग 10 रुपया प्रतिदिन कहाँ से देंगे। बस इसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हम लोग को टेंडर में ना डाला जाए, टेंडर 10 रुपया जो लिया जाए इसे मुक्त किया जाए। क्या बात हुई है इसको, किस तरह से ज्ञापन सौंप दिया है। सुपौल से संवाददाता मोहम्मद नाजीर आलम की रिपोर्ट।